नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान रिलीज होने से पहले विवादों में घिर गई है, जिसको लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, इस बातें की जा रही है, ये पहली बार नहीं है कि दीपिका अपनी फिल्मों को लेकर ट्रोलर्स की शिकार बनी हो। इसके पहले भी कई विवादित फिल्म को लेकर दीपिका चर्चे में बनी रहती थी। आइए जानते हैं उस फिल्म के बारे में हमारी एक खास रिपोर्ट के द्वारा। बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों से घिर गई है। दरअसल पठान फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है, जिसमें दीपिका भगवा रंग की बिकनी में नजर आई, जिसको लेकर काफी विवाद छिड़ गया है और दीपिका ट्रोलर्स के निशाने पर है। यहाँ तक तो सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट होने की मांग भी छिड़ गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है जब दीपिका की किसी फिल्म को लेकर विवाद छिड़ा हो। इसके पहले भी वो अपनी फिल्म्स को लेकर यूजर्स का शिकार बन चुकी है। बता दें, साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म दम मारो दम के गाने के लिरिक्स को लेकर ये फिल्म विवादित चर्चा में आई थी। वही साल 2013 में बनी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला को लेकर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी की गई थी। इस फिल्म का नाम पहले रामलीला रखा गया था, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसका बहिष्कार किया जाने लगा और फिल्म पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के भी आरोप लगे। वहीं साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर भी कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत और छपाक को भी लेकर जमकर विवाद किया गया था और इन फिल्म्स को लेकर बायकॉट की मांग की गई थी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस फिल्म को लेकर प्रशासन क्या एक्शन लेती है और क्या इस फिल्म को लेकर किए गए बायकॉट की मांग को पूरा करती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।